नमस्कार, विजयादशमी की सबको हार्दिक शुभेच्छा। लास्ट जो वीडियो देखा था अपन ने स्टार ऑफ बेथ के बारे में, उसका जो इफेक्ट है आघात के बाद में, कोई भी झटका लगता है, आघात लगता है मन को, उसके बाद स्टार ऑफ बेथ यूज करते हैं। यही आघात जब 10 अलग अलग लोगों को लगता है तो उनकी भावनाएं अलग अलग हो जाती है। तो सिर्फ स्टार ऑफ बेथ देने से काम नहीं बनता है, स्टार ऑफ बेथ प्लस जो भी भावना डेवलप हुई है आप उनको पूछ के वो दवाई प्लस स्टार ऑफ बेथ दोनों देंगे तो पेशेंट ठीक हो जाता है। क्या क्या भावनाएं हो सकती है उसका मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। किसी के घर में या अपने कोई नियरेस्ट इसमें डेथ हो जाती है, या अर्थक्वेक का अपन सामना करते हैं कभी, तो क्या होता है, पहला तो डर बैठ जाता है दिमाग में कि वापस होगा तो, या फिर मृत्यु का भय आ जाता है तो मिम्यूलस आ जाता है, मिम्यूलस नाम की दवाई। अबे आज मैं आपको काफी नए दवाई के नाम बताने वाला हूं, तो आप सुन के रखिए, बार बार सुनते रहिए उनको, तो यू विल बी फैमिलियर, आपको मतलब उनके साथ फैमिलियर हो जाएंगे आप। कभी कभी क्या होता है, मिम्यूलस देगा, आस्पेन देगा, इसके बाद आता है रॉक रोज, कंटिन्यू डर रहता है, 24 घंटा आपके दिमाग में डर रहता है कि वापस तो अर्थक्वेक नहीं होगा, वापस तो किसी की मृत्यु नहीं हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, तो ऐसा हो तो रॉक रोज यूज करना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा मन बहुत कमजोर पड़ जाता है, दिल से कमजोर हो जाते हैं हम लोग कोई आघात होने के बाद में, तो छोटी छोटी बातें भी हमारे दिमाग में निगेटिविटी तैयार करती है। जैसे हम कोई काम करने के लिए निकले और बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हम सोचे अरे यार अभी काम नहीं होगा अपना, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर हम लोग घर पे वापस आ जाते हैं वो काम छोड़ के, इतना हमारा दिल कमजोर हुआ, इसको निगेटिविटी बोलते हैं। एक एग्जांपल हो गया, लेकिन छोटी छोटी बातों में हम लोग निगेटिव सोचते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है कि मम्मी पापा में से एक जन एक्सपायर हो गया समझो सडनली, तो दूसरे के लिए इतनी चिंता हो जाती है कि आप ये मत करो, आप वो मत करो, आप इधर मत जाओ, आप उधर मत जाओ, तो उनकी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर लेने लग जाते है। तभी का मेडिसिन है रेड चेस्टनट। फिर हम लोग लाइफ में कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोग तो चले गए, अभी लाइफ में बचा ही क्या है, तो हम लोग एंजॉयमेंट करना भी छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं हम लोग। दैट इज गॉर्स, GORSE, गॉर्स। और भी उससे भी ज्यादा डिप्रेशन आ जाता है, मशीन की तरह अगर काम करने लग जाते हैं तो दैट इज स्वीट चेस्टनट। और कभी कभी क्या होता है कि आघात के बाद में हमारा खुद के ऊपर का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है कि अरे यार पहले तो बहुत कॉन्फिडेंस से काम कर लेते थे कि कुछ नहीं होगा, तो अभी वो सब कुछ नहीं है, सब कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। हम लोग घर छोड़ के बाहर भी जाएंगे तो घर में क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब चीजें चलती रहती है, या फिर बाहर अकेले जाने में भी डर लगने लग जाता है, या फिर मम्मी पापा को अकेले बाहर भेजने में भी डर लगता है, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है। तो दैट इज लार्च, LARCH, लार्च। कुछ लोगों को क्या होता है कि दुख तो होता है अपने नजदीक के लोग जाने के बाद में, लेकिन वो बताते नहीं, सब अंदर दिल में रख देते हैं। जब हम कभी उनको मिलेंगे तो वो एकदम हंस खेल करके अच्छे से बात करेंगे। वो गाना है क्या ना, गजल जगजीत सिंह का है शायद उनका ही है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तो ये आपको जहां जहां मिलेगा ना उधर एग्रीमनी देने का। आघात के बाद ही होगा ये चीज, ऐसा नहीं है, ये कभी भी हो सकता है, और भी कोई चीज का दुख रहता है, और अगर आदमी दिल में ही रखता है किसी को नहीं बताता है तो वह एग्रीमनी यूज करना है। फिर क्या होता है कि कोई लोग बोलते हैं कि जिस दिन से वो हादसा हुआ है मेरी तो शरीर की ताकत ही निकल गई, मैं कमजोर पड़ गया, तो हॉर्नबीम नाम का दवाई है, हॉर्नबीम,
कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को कि लगता है कि मैं अगर टाइम पे पहुंच जाता था तो वो हादसा नहीं होता था, मेरी वजह से हुआ। खुद को ब्लेम करना, सेल्फ रिप्रोच, ये बड़ी भयानक चीज रहती है। सेल्फ रिप्रोच तो कभी नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम पे पाइन नाम की दवाई है, PINE, पाइन। अभी ये सब घटनाएं में से अगर मरीज को वापस लाना है, कोई व्यक्ति को वापस नॉर्मल जिंदगी में लाना है, तो हनीसकल वॉलनट, ये दोनों दवाइयां प्लस ऊपर की जो स्टार ऑफ बेथ प्लस जो भी भावना है, ऐसी चार दवाइयां मिला के देंगे तो वो व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। तो क्या हो गया, स्टार ऑफ बेथ, हनीसकल, वॉलनट प्लस जो भी भावना और भी है उसका एक दवाई, चारों मिला के कॉम्बिनेशन देंगे तो पेशेंट फटाफट ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझा होगा, नहीं भी समझता है एक बार में, आप वापस 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 आप सुनते रहिए, सुनते रहेंगे तो ही आप यूज कर पाएंगे उसको। अगर नहीं सुनेंगे, एक ही बार के इसमें यूज करने जाएंगे तो कभी कभी फेल्योर भी आ जाता है। फेल्योर आ गया तो फिर आपको लगेगा कि ये काम नहीं करता है, इसलिए बार बार देखते रहिए और दूसरे को हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।